मैसेज आ रहे हैं मेरे नंबर पे। न्याय जी के द्वारा एक व्हाट्सएप पर मोबाइल कॉलिंग में धर्म जी का मुकदमा दर्ज कराया गया। एक व्हाट्सएप कॉल हुई थी जिसमें उनसे 10 लाख रुपये फिरौती और सरेंडरिंग तक उनसे डिमांड की गई। इसे नहीं पता कि कौन लोग हैं, ये पता चल जाता तो अब तक पकड़ ही लेती हमारी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। हमारे खास शो में आपका स्वागत है। एक साल पहले जब प्रदेश की सत्ता बदली तो खुले मंचों से प्रदेश के मुखिया के भाषणों को सुनकर लगने लगा था कि हो ना हो प्रदेश के हालात बदलने का जज्बा दिखता है। इरादों में इतनी ही मजबूती दिखती थी कि लोगों को विश्वास होने लगा था कि हो ना हो प्रदेश की तस्वीर ज़रूर बदलेगी, कानून का राज कायम होगा और इंसान सिर उठाकर सीना तान कर सड़क पर चलेगा। शुरुआती वक्त में कुछ योजनाएं और कुछ ऐसे प्रयोग भी किए गए जिन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदलने के भरोसे को और भी पक्का कर दिया। लेकिन एक साल बाद जब प्रदेश के माननीय पुलिस के पास अपनी हिफाजत की फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं तो ऐसे में हैरान होना लाजमी है। हैरानी इस बात की कि जिस प्रदेश का मुखिया इतने बुलंद इरादों वाला हो, जिसकी आवाज़ में इतना दम हो कि वो खुले मंच से गुंडों मवालियों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दे सके, उसी की पार्टी के विधायकों से कौन रंगदारी मांग सकता है। लेकिन जब ये संख्या एक एक कर 11 तक पहुंच गई तो हमें कहना ही पड़ा कि दहशत में माननीय है। मैसेज आ रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं मेरे नंबर पे। न्याय जी के द्वारा एक व्हाट्सएप पर मोबाइल कॉलिंग में धर्म जी का मुकदमा दर्ज कराया गया। एक व्हाट्सएप कॉल हुई थी जिसमें उनसे 10 लाख रुपये फिरौती और सरेंडरिंग तक उनसे डिमांड की गई। इसे नहीं पता कि कौन लोग हैं, ये पता चल जाता तो अब तक पकड़ ही लेती हमारी पुलिस। अगर आपको पता चले कि किसी ने आपके विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, उससे रंगदारी की मांग की है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारा ये सवाल आपको बेतुका जरूर लग रहा होगा, लेकिन यकीनन पहला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? आपका सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जो लोग मंचों से सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, अब उनकी ही जिंदगी पर आतंक का साया मंडरा रहा है। मैसेज आ रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं मेरे नंबर पे, और नाम आ रहा है, मैं हूँ अली बुदेश भाई, हम आपके साथ लंबे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? आप अगर आप और आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं 3 दिनों के भीतर 10 लाख की व्यवस्था करें। न्याय जी के द्वारा एक व्हाट्सएप पर मोबाइल कॉलिंग में धर्म जी का मुकदमा दर्ज कराया गया। एक व्हाट्सएप कॉल हुई थी जिसमें उनसे 10 लाख रुपये फिरौती और सरेंडरिंग तक उनसे डिमांड की गई। इसे नहीं पता कि कौन लोग हैं, ये पता चल जाता तो अब तक पकड़ ही लेती हमारी पुलिस। केस बाई केस का रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद सुरक्षा अगर कहीं बढ़ाने की आवश्यकता होती तो निश्चित तौर पर। मैं हूँ अली बुदेश भाई, हम आपके साथ लंबे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? अगर आप और आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो 3 दिन के भीतर 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक आप अपने परिवार से एक मृत शरीर नहीं देखते। हम आपको वादा करते हैं कि 3 दिनों के उत्तीर्ण होने के बाद हम आपका विश्वास पाने के लिए एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन हैं, मेरा व्यक्ति आपके करीब है, समय बर्बाद मत करें। ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि वो धमकियां हैं जिन्होंने सत्ताधारी दल के माननीय विधायकों की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। जी हाँ, यूपी के बीजेपी विधायकों को पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेशनल नंबर से मिल रही इन धमकियों ने होश उड़ा दिए हैं। पहले तो कुछ विधायकों ने इसे कोरी अफवाह समझा, लेकिन सहयोगियों की सलाह पर मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायकों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की। धमकी भरे ने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए 11 विधायकों समेत 13 बीजेपी नेताओं से 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंडमान निकोबार में ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ और मैं चेक नहीं कर पाया, सिर्फ जब हम लोग कोलकाता आए मैंने ये सारे मैसेज चेक किए, जिसमें मैंने देखा कि एक मैसेज आया हुआ है जो कि अननोन नंबर और फॉरेन नंबर से मैसेज था, जिसमें 10 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया और हमें धमकी, परिवार को मारने की धमकी दी गई। पहले मैंने इसको मजाक समझा,
फिर मेरे सहवर्ती ने हमारे सहवर्ती ने मुझको ये राय दी कि आप इसको तत्काल प्रभाव से अपने जिले में सूचना कीजिए। मैंने तुरंत ही अपने जिले के SP शाहजहांपुर को मैंने सूचना की और मैंने कटरा थाने में FIR भी दर्ज करा दी। बीजेपी विधायकों को मारने की धमकी। व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी। जान से मारने की धमकी वाले मैसेज। विधायकों से मैसेज में मांगी रंगदारी। महोली महनौन तरबगंज विधायक और चिल्लू पार के पूर्व विधायक ने अपने अपने आवासीय क्षेत्रों में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। विधायकों के मुताबिक व्हाट्सएप पर मिले सभी मैसेज में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। 3 दिन के भीतर पैसा नहीं देने पर परिजनों की हत्या करने की धमकी दी गई। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह विभाग से इसकी शिकायत की है। उन्हें जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। उनके व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मैसेज किया है अली बुदेश भाई करके और वो उनको जान से मारने की धमकी और फिरौती की बात उनसे करी है। ऐसा उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। ऐसी चीज है, हम अपने विधायकों की सुरक्षा के प्रति या आम जनता हो सभी की सुरक्षा के प्रति चिंतनशील और सतर्क दोनों हैं और जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी सरकार परिस्थिति के अनुसार कदम उठाती है उठाएगी। जिन विधायकों को धमकी दी जा रही है उनमें महोली सीतापुर के विधायक शशांक त्रिवेदी, बुलंदशहर के डिबाई से विधायक डॉक्टर अनीता लोधी, मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से लोकेंद्र प्रताप सिंह, शाहजहांपुर कटरा के वीर विक्रम सिंह, गोंडा महनान के विधायक विनय त्रिवेदी, गोंडा तरबगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे, फरीदपुर के श्याम बिहारी लाल, कानपुर देहात के भोगनीपुर के बीजेपी विधायक विनोद कटियार, लखनऊ के एक विधायक, ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह और बिसौली विधायक आरके शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही एक पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुशील चौरसिया को भी धमकी दी गई है। कई विधायकों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच में इसके पीछे खाड़ी देश में छिपे अपराधी अली बाबा बुद्देश का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। STF और DGP मुख्यालय की साइबर सेल को जांच सौंपी गई है। DIG एलो ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में यह हरकत किसी शरारती तत्व की लगती है। फिलहाल जांच की जा रही है। ये दुबई के नंबर आज के जमाने में ये कह देना किसी व्हाट्सएप कॉल को देख करके या व्हाट्सएप मैसेज को देख करके एग्जैक्टली कोई आदमी ये कह दे कि किस नेशन का है, किस स्टेट का है, ये जस्ट अभी इम्पॉसिबल है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं जिस बेसिस पे हमारी जो IT टीम से इस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी इसका अनावरण किया जाए। जिस तरह से पिछले 3 दिनों में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगे जाने का मामला बढ़ता जा रहा है, इससे प्रदेश पुलिस के साथ ही सरकार के माथे पर भी सिलवटें आ गई हैं। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि सभी विधायकों को भेजे गए मैसेज में एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले के नंबर भी एक ही हैं, जो कि इंटरनेशनल नंबर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। अगर आपको पता चले कि किसी ने आपके विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, उससे रंगदारी की मांग की है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारा ये सवाल आपको बेतुका जरूर लग रहा होगा, लेकिन यकीनन पहला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? आपका सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जो लोग मंचों से सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, अब उनकी ही जिंदगी पर आतंक का साया मंडरा रहा है। मैसेज में यही था कि आप हमें पैसे दो और पैसे अगर नहीं देते हो तो हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है, मेरा व्यक्ति आपके करीब है, समय बर्बाद मत करें। मैं जानता हूँ कि तुम लोग कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो और ये वीडियो कॉलिंग भी करता है। वीडियो कॉलिंग के जरिए मुझे मैसेज बात करने की उसी नंबर से कोशिश की गई। अपने जीवन के आखिरी दिनों का आनंद लें। देसाई ने भी मेरी मांग को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजतन वो मारा गया। चाहते हो जब तक लाश नहीं देखोगे मानोगे नहीं।
एक के बाद एक 11 बीजेपी विधायकों और नेताओं से रंगदारी मांगे जाने और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। जिस नंबर से विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं, वो अमेरिका का बताया जा रहा है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि इन धमकियों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। धमकी अमेरिका से दी जा रही है और आईडी दाऊद के गुर्गे की इस्तेमाल की जा रही है। यूपी ही नहीं, ऐसी धमकियां देश के अन्य हिस्सों में भी वीवीआईपी लोगों को दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। धमकियों के पीछे है दाऊद का हाथ। मैसेज आया हुआ है क्योंकि अननोन नंबर और फॉरेन नंबर से मैसेज था, जिसमें 10 लाख रुपए का एक्सट्रॉक्शन मनी मांगा गया। अमेरिका से भेजी जा रही हैं धमकियां। मैसेज में यही था कि आप हमें पैसे दो और पैसे अगर नहीं देते हो तो 3 दिन बाद तुम्हारे परिवार के किसी सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी। अमेरिका का है धमकी भेजने वाला नंबर। दाऊद के इशारे पर गुर्गा भेज रहा है धमकी। यूपी के डीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि विधायकों को धमकी दिए जाने का मामला बड़ी साजिश लग रहा है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि जिस आईडी से व्हाट्सएप किया जा रहा है वो दाऊद के गुर्गे की है। ये दाऊद का गुर्गा कहां किस देश में है इसकी भी छानबीन की जा रही है। जिस नंबर से मैसेज आया है वो अमेरिका का है। पूरे मामले की छानबीन के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश इसके सदस्य होंगे और एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार इसके प्रभारी होंगे। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूपी में ये धमकियां ज्यादा दी जा रही हैं, लिहाजा ऐसा किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। विधायकों और अन्य बीजेपी नेताओं को मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम अली बुदेश भाई बताया है। जो मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहा है वो अमेरिका का नंबर है। ये एक लैंडलाइन का नंबर है, इसमें हर तरह की सुविधा होती है और ये अमेरिका में रजिस्टर्ड है। मिस्टिफ जो अभी तक हम लोग को जानकारी है, ये एक सुनियोजित मिस्टिफ लगती है जो कि जिसके इंटरनेशनल डायमेंशन है और ये हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल को वो कर रहा हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या कोई एजेंसी का भी हाथ इसमें हो सकता है। फिलहाल हम इस पर बहुत ज़्यादा इस तरह से बोलना चाहेंगे, लेकिन हमें काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है। जो ये नंबर जिससे ये व्हाट्सएप थ्रेड्स आ रहे हैं वो एक लैंडलाइन का नंबर है कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है। विधायकों को भेजे गए धमकी भरे मैसेजेस पर अगर गौर करें तो सारे मैसेज हिंदी में भेजे गए हैं। साथ ही इसमें कई शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं है, तो कहीं वाक्य ठीक नहीं है। जैसे सबसे पहले वाक्य में लिखा है, हम आपसे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। इसी तरह एक जगह समय बीत जाने को समय उत्तीर्ण जाना लिखा है। मुमकिन है इसे किसी सॉफ्टवेयर से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया हो। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच एसटीएफ और साइबर क्राइम सेल को सौंपी गई है, जबकि इस जांच का प्रभारी एडीजी आनंद कुमार को बनाया गया है। दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इन धमकियों की हकीकत सबके सामने होगी। अगर आप की मीडिया पे जाएंगे तो इस व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है उसके सारे डिटेल्स आपको उस पर मिल जाएंगे। और अभी हम लोग इस पर हमारी भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उससे हम समन्वय किए हुए हैं, जो भी हमारे पास टेक्निकल नोहाउ है, जो भी बैकअप है, उसके माध्यम से इसका खुलासा होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक SIT का गठन अभी किया है, जिसमें IG SDF उसकी अध्यक्षता करेंगे और SSP ATSP होंगे उसमें। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, जैसे मैंने आपको कहा, फ़ोन कहीं पर रजिस्टर्ड है, लोकेशन कहीं पर है, गेटवे कौन सा यूज़ किया जा रहा है, वो सारी बातें हैं, इसलिए इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी आवश्यकता हो। और बहुत ज़्यादा मैं इसमें खुलासा इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी ये गोपनीयता के कारण और हम लोग की जो जाँच चल रही है उसके उसको प्रभावित ना हो, इस वजह से हमने किया है। गुंडों और बदमाशों को खुले में से चेतावनी देने वाले प्रदेश के मुखिया की पार्टी के ही विधायकों को जान से मारने की धमकी मिलना लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। कुछ लोग इसे सिगुफा मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, अपराध और हर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजना पुलिस का काम है, लेकिन ये काम यूपी पुलिस के लिए जरा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।
कितनी हैरानी की बात है कि जिनके कंधों पर प्रदेश की सरकार का भार है, वही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने के लिए मजबूर हैं। जिनकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं, उन्हें अब वहीं पर घुटन महसूस हो रही है। जिनकी तरफ लोग सुरक्षा की आस लगाते हुए देखते हैं, जो बड़े मंचों से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का दंभ भरते हैं, इस वक्त वो खुद की सुरक्षा की फरियाद लगा रहे हैं। प्रदेश में तेजी से जारी था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन पर रोक से खिसियाहट, धर्म परिवर्तन पर सख्ती से बौखलाहट। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन का बयान। देखिए, आपको तो मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर जिस तरह से अंधाधुंध धर्म परिवर्तन हो रहा था, 2014 के बाद से रोक लगी है। गरीबों की आड़ में धर्म परिवर्तन करने को जिनको मौका नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कि बौखलाहट में इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। यूपी के बीजेपी विधायकों से 10 लाख की रंगदारी और ना देने पर जान से मारने की धमकी। अब इस मामले में सियासत ने भी कदम रख दिया है। अभी तक ये मामला केवल कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन के बयान के बाद इसमें सियासी भूचाल आना लाजमी लग रहा है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी निरंजन ने बीजेपी विधायकों को जान से मारने की धमकी मामले में बयान के जरिए फिर से एक बार सुर्खियां बटोरी हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश के अंदर अंधाधुंध धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2014 के बाद से इस पर रोक लगी थी। धर्म परिवर्तन करने का मौका जिन्हें नहीं मिल रहा है, उसी बौखलाहट में लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। देखिए, आपको तो मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर जिस तरह से अंधाधुंध धर्म परिवर्तन हो रहा था, 2014 के बाद से रोक लगी है। गरीबों की आड़ में धर्म परिवर्तन करने को जिनको मौका नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कि बौखलाहट में इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन जो करा रहे थे उनका ही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि कोई काम अनर्गल करने को नहीं मिल रहा है, तो बौखलाहट में हो सकता है। ये तो जांच का विषय है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। साध्वी निरंजन ने इस मामले पर कितनी गंभीरता भरा जवाब दिया है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सत्ता दल के विधायकों को मिल रही धमकियों ने प्रदेश के मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। इसलिए सीएम बराबर इस मामले में जानकारियां ले रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों सहित जाँच एजेंसियों को भी निर्देश दे रहे हैं। इस मामले ने प्रदेश मुखिया की चिंता को कितना बढ़ाया है, वो ये लेटर बता रहा है। इसमें उन्होंने एडीजी एलओ को निर्देश जारी करके बहुत जल्द प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही सख्त कार्रवाई करते हुए मामले के खुलासे के आदेश दिए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन ने बढ़ाई प्रदेश की गर्मी। सीएम के माथे पर भी चिंता की लकीरें। एडीजी एलओ को सख्त कार्रवाई के आदेश। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी। एक साथ इतने विधायकों से 10-10 लाख रुपयों की रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी की वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बेशक पुलिस महकमा वारदात के जल्द खुलासे और साजिश को बेनकाब करने के दावे कर रहा है, लेकिन 3 दिन से जारी इस मामले को लेकर प्रदेश की साइबर सेल पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। हालांकि सीएम ने एसआईटी का गठन करके उसमें एसटीएफ, साइबर सेल सहित सभी जांच एजेंसियों को शामिल किया है। यूपी के जो नोडल अफसर हैं आईजी एसटीएफ, उन्हें इस एसआईटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसमें एसएसपी एटीएस और एडिशनल एसपी श्री त्रिवेणी सिंह, ये लोग इसके सदस्य के रूप में रहेंगे। एसएसपी एटीएस, ये लोग इस सदस्य के रूप में रहेंगे, जो कि लगातार इस तरह के मैटर में सभी डायमेंशंस पर काम करेंगे। विभिन्न स्तर से कैसे कोऑर्डिनेट करना है भारत सरकार की एजेंसी से, विभिन्न डेटाबेस को जानकारी करने के लिए उसको भी करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एसपीज को आवश्यकता अनुसार सुपरवाइज करने का कार्य भी करेंगे।
हैरानी की बात मानी जा रही है ये वारदात, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया खुले मंच से अपराधियों को ललकारने का काम करता हो, उसी की सरकार के विधायकों को दहशत भरे मैसेज मिलना सवाल खड़े करता है। ऐसे में क्या समझा जाए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, क्योंकि जब सरकार के माननीय ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बिसात। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। बीजेपी विधायकों से रंगदारी मांगे जाने और ना देने पर जान से मारे जाने की धमकी भरा मामला सामने आने के बाद जेहन में अगर सबसे पहली कोई तस्वीर आती है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया गया पहला भाषण, जिसमें वो खुले मंच से गुंडों और बदमाशों को ललकार रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं प्रदेश छोड़ने की। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये बयान आपने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद पहली बार खुले मन से सबसे पहले सीएम ने प्रदेश को अपने आतंक से थर्रा देने वाले गुंडे, मवालियों और बदमाशों को प्रदेश छोड़ देने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को सुनकर लगने लगा था कि हो ना हो यूपी एक दिन अपराध मुक्त जरूर होगा। फिर प्रदेश में जारी हुआ बदमाशों के सफाए का सिलसिला। सीएम की इस चेतावनी के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आने लगी। प्रदेश के कोने कोने से एनकाउंटर की खबरें सुर्खियों में छाने लगी। पुलिस बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालने लगी, और अब तक पुलिस की इस एनकाउंटर की कार्रवाई में सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। न जाने कितने अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हो चुके हैं। इन सब के बाद भी प्रदेश की जो तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया खुद बदमाशों को चेतावनी दे, जहां पुलिस को खुलेआम एनकाउंटर की छूट दे रखी हो, उस प्रदेश की सत्ता के विधायकों को जान से मारने की धमकी मिलना बेहद हैरान करने वाला है। बेशक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वारदात के पीछे किसी शरारती तत्व की बात कहकर अपने मानसिक दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे हकीकत नहीं छिपने वाली। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि उन्होंने माननीय को ही अपने निशाने पर ले लिया। प्रथम दृष्टया ये शरारतपूर्ण इंसिडेंट है और उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा रही है। इसमें एसटीएफ का भी सहयोग स्थानीय पुलिस ने जहां जहां पर आवश्यकता है वहां लिया है, और बहुत जल्दी इस तरीके की शरारतपूर्ण जिन लोगों ने कृत्य किया है उस पर अनावरण किया जाएगा, और जो भी दोषी है इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर पर एनकाउंटर, फिर भी बेखौफ हैं बदमाश। बदमाशों को चेतावनी देने वाले सीएम के माथे पर चिंता की लकीरें। हमने सीएम का ये बयान और एनकाउंटर की ये तस्वीरें केवल इसलिए दिखाई, हमेशा दावे किए जाते हैं कि सीएम की चेतावनी का असर हुआ है। एनकाउंटर के पीछे तर्क यही दिया जाता है कि इससे बदमाशों के हौसले पस्त हो रहे हैं। बदमाश और गुंडे प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, तो साहब आपके दावों की बखिया उधेड़ने के लिए आपके माननीय के ये बयान ही काफी हैं, जिसमें वो खुद को धमकी दिए जाने का जिक्र कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। मैसेज आ रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं मेरे नंबर पे। न्याय जी के द्वारा एक व्हाट्सएप पर मोबाइल कॉलिंग में धमकी का मुकदमा दर्ज कराया गया। एक व्हाट्सएप कॉल हुई थी, इसमें उनसे 10 लाख रुपये फिरौती और सरंदारी उनसे डिमांड की गई। इसे नहीं पता कि कौन लोग हैं, ये पता चल जाता तो अब तक पकड़ ही लेती हमारी पुलिस।